अगर आप भी हैं पंजाबी सूट पहनने के शौकीन, तो सूटों में कैसे आप यंग दिख सकते हैं? जी हाँ, आज ये जानते हैं इस वीडियो की हेल्प से। लुक एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल आप अपने सूट को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव एंड यंग नज़र आएंगे। जी हाँ, ज़्यादा ही एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट एंड बॉटम को अवॉइड करके आपको सिंपल एम्ब्रॉयडरी ट्राई करनी चाहिए, जो देखने में काफ़ी सिंपल, सोबर एंड स्टाइलिश नज़र आती है। प्रेफर प्लेन सूट्स। ज़्यादातर आपकी वार्डरोब में प्लेन सूट्स होने चाहिए, जिन्हें आप अलग अलग तरह से डिटेलिंग दे सकते हैं। इस तरह नेकलाइन के ऊपर आपको डबल शेड वाले दुपट्टे या बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी होती है, जो वो अवॉइड करनी चाहिए अपने सूट के ऊपर। इसके बजाय आप लेशेस के साथ भी अपने सूट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ट्रेंडिंग स्टिचिंग पैटर्न। जो स्टिचिंग पैटर्न आजकल ट्रेंड में है, फ्रॉक सूट हो गया, नायरा कट हो गया, अंग का कुर्ता हो गया, वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड वो भी आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं, बजाय कि आपकी लुक है टोटली ख़राब हो जाए। तो आपको जितना सिंपल हो सके अपने लुक एंड दुपट्टा को रखना चाहिए एक अच्छी एंड सिंपल लुक के लिए। ट्रेंडिंग दुपट्टा आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तानी दुपट्टा। आप अलग अलग तरह के प्लेन सूट के साथ आसानी से पेयर अप कर सकते हो, एंड आपको इस तरह के दुपट्टे अवॉइड करना चाहिए जो आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं। अवॉइड मैचिंग डिज़ाइंस। आपको ऑल ओवर सूट विद मैचिंग दुपट्टा आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, जो दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। इसकी बजाय आपको इस तरह मैचिंग बॉटम होती है, जो वो अवॉइड करनी चाहिए, वो आपकी लुक को काफ़ी ख़राब कर देती है एंड दिखने में भी आपको छोटी हाइट का दिखाती है। यूज़ मोनोक्रोमेटिक लुक। ऑल ओवर एक ही कलर का सूट एंड दुपट्टा जब आप ट्राई करते हो, तो आप ऑलमोस्ट यंग नज़र आओगे। अगर आप मैचिंग दुपट्टा सूट से ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो उनमें आपकी उम्र है जो ज़्यादा बड़ी लग सकती है, तो आपको हमेशा मोनोक्रोमेटिक लुक प्रेफर करना चाहिए। फोकस ऑन एम्ब्रॉयडरी। ज़्यादा ही हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स को अवॉइड करके नेकलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सिंपल बॉर्डर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाले सूट आप ट्राई कर सकते हो। एंड अवॉइड करें इस तरह की भारी भरकम एम्ब्रॉयडरी, जो नेकलाइन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, बॉटम के ऊपर होती है, वो अच्छी नहीं लगती है। राइट फैब्रिक चूज़ करें, ताकि आपकी लुक है जो स्लिम नज़र आए। इस तरह से आप जॉर्जेट ट्राई कर सकते हो, मशीन ट्राई कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आपको अवॉइड करना चाहिए ब्रोकेड हो गया या फिर ऑर्गेंजा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें।